भेदभाव करने वाले समाज में अब महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। इसका श्रेय महिलाओं की इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच को जाता है। बिहार की ऐसी ही महिलाओं से रूबरू होते हैं जिन्होंने मधुमक्खी पालन व्यवसाय के जरिए देश के सामने राज्य का परचम लहराया है। आत्मा के द्वारा मुझे मधुमक्खी पालन का ट्रेनिंग मिला, जिससे मैंने कि ये मधुमक्खी पालन कर रही हूँ फिलहाल, जो कि मेरे पीछे लगा हुआ है बॉक्स, आप देख रहे हैं। इससे हमने 10 दिन के अंतराल पर इससे मधु कलेक्ट करते हैं, जिससे कि एक बक्से पर लगभग 5 से 6 किलो अभी मधु निकल रहा है, क्योंकि हमारे पास अभी लार्ज स्केल में आम का ये मंजर है, सहजन है, अब महुआ होगा, पहले सरसों था, जिससे कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फूल रहता है और पर्याप्त मात्रा में हम मधु कलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावे अब हम इसको कहीं जंगल में भेज देंगे बक्सा, वहाँ पर भी तरह तरह के का जो फूल उगता है उससे हमारा ये मधुमक्खी शहद का कलेक्ट करती है और हम इससे डबल इनकम कमाते हैं। मधुमक्खी पालन करने से हमारा दो बेनिफिट होता है, जैसे कि मधु तो हम बेच ही लेते हैं और दूसरा कि हमारा एग्रीकल्चर में आम में या नहीं तो सब्जी में जो भी होता है उसमें परागण मिलता है, दोनों से उससे इसका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है 2022 तक किसानों के आय में डबलिंग करना है, तो हमें लगता है कि अगर इस तरह तकनीकी ज्ञान अगर मिलता रहे तो हम किसान 2022 तक डबल इनकम ही नहीं चौगुना या पचगुना इनकम कमा सकते हैं और हम किसान आत्मनिर्भर बन सकते हैं। मधुमक्खी पालन भी कर रहे हूँ, अचार भी बनाते हैं, सूखा मशरूम की भी बाजार में मैं सेलिंग कर रहा हूँ। समकेती प्रणाली से सालों भर आमदनी होता है और खेती करते हैं, इसी से मेरा परिवार चल रहा है। मधुमक्खी पालन कृषि आधारित एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जो कृषि उपज को नष्ट नहीं करता बल्कि उत्पादन में वृद्धि करता है। फसलों को यदि मधुमक्खियों द्वारा पराग की सुविधा मिल जाती है तब 30-80% तक उत्पादकता में वृद्धि सुनिश्चित है। इस व्यवसाय के लिए अपनी भूमि होना अनिवार्य नहीं है, इससे उत्पादित शहद एंटी ऑक्सीडेंट से भरा होता है। बिहार शहद उत्पादन में अग्रणी राज्य है। राज्य में लगभग 20,000 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन होता है। राज्य के शहद की कई देशों में बड़ी मांग है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए मधुमक्खी पालन स्वरोजगार का उत्तम साधन है, यह आय का अच्छा स्रोत है। कृषि विभाग बिहार सरकार द्वारा आत्मा के सौजन्य से मधुमक्खी पालन ज्यादा से ज्यादा किसान करें, इसके लिए तकनीकी ज्ञान हेतु प्रशिक्षण और परिभ्रमण की व्यवस्था की गई है। वहीं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत चयनित कृषकों को मधुमक्खी के बक्सों और मधु निष्कासन यंत्र पर अनुदान भी दिया जा रहा है। तो देर किस बात की है, मधुमक्खी पालन व्यवसाय अपनाएं, अपने जीवन को खुशहाल बनाएं।